ये देखो भाई साहब, क्या तगड़ी बारिश हो रही है। देव देवसरण में भंडारा है जो कि नैमिषारण्य से 1 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। वो देखना सामने का नज़ारा कैसा आ रहा है। अब देखो पानी, ये देखो गया पानी। अरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी है। बचपन में हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज है हरदोई की बारिश का दूसरा दिन और कंटिन्यू बारिश हो रही है। पिछले 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है। मतलब रोडें ना पूरी खचाखच भर चुकी हैं पानी से। मन तो कर रहा है आपको बाहर जाके सब कुछ दिखाऊं, लेकिन उसके लिए छाता चाहिए होगा। तो देखते छाता मिलता है कि नहीं छाता मिलता है, तो फिर अभी चलते हैं बाहर घूम के आते हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ी बहुत बारिश दिखाता हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है और 3 घंटे लगातार हो रही है। लोग कहते थे हरदोई में बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, और लो ये हाल हो गया बारिश में हरदोई का। ये देखो भाई साहब, क्या तगड़ी बारिश हो रही है इधर साइड में भी। अभी तो फिलहाल नॉर्मल स्पीड में है, सारी दीवारें वगैरह सब भीग चुकी हैं पूरी बारिश। अभी मतलब बहुत तेज़ हो रही थी, अब कुछ कम हो गई है, लेकिन हो रही है मतलब भर की। मतलब यहाँ से भी पानी टपक रहा है, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है इसमें यार। ये देखो इतना ज़्यादा ऊपर 3 इंच से पार करके आ रहा है। तो भाई आप लोगों को एक बात बतानी है कि 27 अगस्त को हम सभी लोग मिलके, हम अस्मित, अस्मित की मम्मी लोग मतलब जो हैं वो भंडारा करवा रही हैं नीमसार से 1 किलोमीटर पहले जो देव देवसरण पड़ता है वहाँ पे। 27 तारीख को जो भी लोग उस एरिया के आसपास के हैं, या प्रताप नगर चौराहे से, या मिश्रिक से, या सीतापुर से, या कहीं से भी हो, तो वहाँ पे आ सकते हैं और हमसे मिलेंगे। वहाँ पे भंडारा खा सकते हैं या जो भी है, तो मिलेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिलहाल हम सभी लोग जाएंगे, पूरी फैमिली जाएगी, और जो लोग भी इसको हरदोई से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप लोग भी वहाँ आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों को वहाँ पर देख के। तो 27 तारीख को भूलेगा मत, देव देवसरण में भंडारा है जो कि नैमिषारण से 1 किलोमीटर पहले पड़ जाता है, लेफ्ट हैंड पे। थैंक यू सो मच, और आप सभी को आना है वहाँ पे। फुल मौज होगी, फुल मस्ती होगी वहाँ पे। गोमती रिवर है, वहाँ में नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे, नावों पे घूमेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा आने वाली है गाइस। छाता मिल गया, बट इसमें छेद है यार। मतलब इसमें तो पानी आर पार हो जाएगा और हम भीग जाएंगे, मेरा फ़ोन भीग जाएगा। दूसरा कोई देखते हैं। साइड से निकल जाता हूँ, गैया दुकान पे आए सौदा लेने के लिए। देखो गाइस खड़ी है सामान लेने के लिए। भाई अपने ना पहले ब्लॉग की याद आ गई, पहला ब्लॉग हमने ऐसे बनाया था बारिश में छाता लगा के, वो भी मास्क भी लगा के चेहरे पे। सामने का सीन देखो ऐसा कुछ है, और मैं आपको भी रोड रोड का नज़ारा दिखाना चल रहा हूँ, कैसा क्या पानी नहीं भरा है वहाँ पे, ये देखना है बस। ये देखो डॉगी भी भाई बारिश से बच रहा है, यहाँ पे छज्जे के नीचे खड़ा हुआ है। सबको बारिश फील होती है, मतलब क्या बताएं, सब भीगते हैं। और भाई जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत ख़राब नज़ारा है सामने का, दिखाता हूँ अभी आपको। देखो अभी कार वार चल रही है फिलहाल, तो बाकी बाइक वाइक तो बिल्कुल बंद है, बाइक नहीं चल रही है। और आगे क्या मस्त भाई पानी भरा हुआ है, ये देखना भाई। अरे अरे वो देखना सामने का नज़ारा कैसा आ रहा है। ये देखना भाई, अब देखो कोई गाड़ी वाड़ी सामने से आएगी, फिर दिखाता हूँ आपको कितना मतलब कितना ज़्यादा भर गया है वहाँ पे। देखो नाला यहाँ पे पूरा भर चुका है वाला नाला है यहाँ पे, और यहाँ पे सब जलकुंभी वगैरह हैं तालाब में। चलो इसके ऊपर से जाओ, नहीं ये भी तो रिस्की रहेगा यार। चलो इसके ऊपर ऊपर जाता हूँ गाइस, ये पत्थर पड़े तो हैं। हाँ ये सही है भाई, ये तो काफ़ी सही है पैदल यात्रा के लिए, कहीं फिसल ना जाऊँ। ये देखो बाइक आ रही सामने से, अब देखो पानी, ये देखो गया पानी, साइकिल आ रही है भाई। आज तो फिर भी कम लग रहा है देखने में, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, ये पूरा ये तो जो रोड हल्की फुल्की दिख भी रही है ना यहाँ पे, ये भी नहीं दिख रही थी। आज तो फिर भी दिख रहा है, मतलब आज हल्का हल्का गिर रहा है, बट कंटिन्यू गिर रहा है। कल तो बहुत स्पीड में गिरा था, तो इसलिए कुछ नहीं दिख रहा था। बिजली का खंभा यहाँ पर ज़्यादा ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलो चलते हैं आगे। कल हम यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, लड़का यहाँ पे नाले में घुस गया था बेचारा, यहाँ पे एक पत्थर गायब है ना इसीलिए। ये जो रोड दिख रही है कल, तो ये भी नहीं दिख रही थी फिलहाल। तो ऐसे देखो क्या हाल हो चुका है पूरे चारों तरफ का, इधर भी पूरा पानी पानी और इधर भी। बंद ना हो भाई, ऐसे कंटिन्यू होते रहे अच्छा है, बढ़िया है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है, बोर हो गए थे गर्मी से। चलो पानी में घुसते हैं गाइस। ये देखो, अरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी है। अरे स्कूटी आ गई, अब क्या करूँ, छिप देगा। आ जाओ आ जाओ। चला गया।
ये इधर का हाल है भाई। अब उधर चलते हैं, उधर साइड में मील रोड तरफ चलते हैं। बाकी फल टमाटर वाले सब ऐसे खड़े हैं रोड किनारे। टमाटर सस्ते हो गए हैं वैसे, 50 रुपये किलो हो गए हैं। कल इसके आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पे भी खड़े हैं मेन इंस्टीट्यूट के पास, जो यहाँ पे है नहीं, कहीं और है। और ये अंकल जी देखो अपने ऑटो में इस तरीके से पन्नी उन्नी लगाएं जिससे कि पानी वानी अंदर ना जाए, पूरी फुल व्यवस्था बना के बैठे हैं यहाँ पे। बढ़िया है भाई, बच्चे ऐसे भीग रहे हैं। वहाँ पे सामने गड्ढा हो गया, यहाँ पे कार झड़ाम से हो रही है, झाड़ा से साइड से निकाला उसने। चलो ठीक है, स्मार्ट ड्राइवर था ये। इतना बड़ा देखो बैनर लगा है पंचकृति का, पता नहीं क्या है ये पंचकृति। रिलीजिंग ऑन 25 अगस्त होगा कुछ, पता नहीं भाई। चलो गाइस निकलते हैं, बहुत बारिश इंजॉय कर ली हमने। यहाँ पे तो भाई बहुत पानी भर गया, गड्ढा वड्ढा हो गया, यहाँ पे बहुत गाड़ी वाड़ी निकलती है ना, ये सामने मिल लोड़े, इसीलिए यहाँ पे संभल के आना पड़ेगा। आ गया भाई, तो अभी आ गए हैं घर पे। अब देखते हैं बारिश कब बंद होगी, फिलहाल लग तो नहीं रहा कि वर्णन होने वाली है कुछ, देखते हैं। तो गाइस अभी शाम के 6:07 हो चुके हैं और हम लाइव देख रहे थे चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखा रहे थे, और मतलब बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, सब कुछ अच्छा रहा, कोई भी दिक्कत नहीं। इस बार चंद्रयान 2 तो कैंसिल हो चुका था, बट ये चंद्रयान 3 पूरा सक्सेसफुल रहा। बहुत अच्छा लगा, एकदम से गूस बम्प आया, मतलब मज़ा आ गया यार इसको देख के कि हाँ भाई इंडिया 4th नंबर पे आ गया है अब चांद पे जाने के, मतलब उसकी लिस्ट में। तो सबसे पहले सोवियत यूनियन जो होता है वो गया था, फिर अमेरिका गया था, फिर चाइना गया था, अब 4th नंबर पे इंडिया आ गया है। तो ये सीन है भाई, एंड सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस चीज़ की, धन्यवाद। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइज, ये अगला दिन है और पूरी रात बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई फिलहाल तो, और मतलब क्या होता है अभी भी हो रही है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी भी देखो पूरी से छत गीली पड़ी है, बारिश कंटिन्यू अभी टिपट 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 लगी हुई है, झपसा गिर रहा है बहुत बढ़िया से। और ये हमें लग रहा है कि बंद नहीं होगा, अब कल बंद होगा मेरे ख्याल से, इसीलिए कहीं जा भी नहीं पाया बारिश की वजह से। वैसे कई जगह जाने का प्लान था बट नहीं जा पाए, अब क्या करें। देखो गाइस रेवड़ी बेची जा रही है ऐसे, बचपन में हम छोटे थे तब ऐसे खूब आया करते थे बेचने के लिए लोग, रेवड़ी वाले गाने गा के बेचा करते थे यार। हम बहुत दिन बाद इनको देखा, मतलब यादें ताज़ा हो गई। देखो जा रहे थे गली में, बहुत दिन बाद देखा इन लोगों को, मतलब बचपन में तो खूब आया करते थे ऐसे गाना गाते हुए बेचा करते थे। वो देखो जा रहे हैं और भाई बारिश तो नहीं बंद हो रही यार, कतई बारिश बंद नहीं हो रही सुबह से, मतलब कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही। देखो घर पे पानी पूरा भरा है, पूरा छज्जे पे, दिस इज़ वेरी डेंजरस, खुल भी नहीं रहा मौसम। तो आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ शूट हो नहीं पाया क्योंकि बारिश में कंटिन्यू हो रही, कहीं जा भी नहीं पाए, कहीं निकल भी नहीं पाए। और अभी इस ब्लॉग में समाप्त करते हैं क्योंकि ना आज को शूट नहीं करना है हमको, तो यही ख़त्म कर देते हैं, अपलोड करते हैं, शाम तक आ जाएगा वीडियो। वैसे भी आज बारिश का खत्म होने वाला है हमारा, तो उससे पहले हम कर ही देते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा हम ये कह रहे हैं। तो ये था भाई आज का ब्लॉग, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, जैसा भी छोटा सा है बस अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। क्या कर रहे हो बच्चों, आराम से रोड पार करो, क्या है यार।